कारण है वेलकम यू टू ग्लोबल टेक न्यूज़ रूम। मेरा नाम है श्रेयस और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि है सैमसंग इज़ रिस्ट्रिक्टिंग द यूज़ ऑफ सो कॉल्ड जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सच एज चैट जीपीटी फॉर एम्प्लॉयज़ आफ्टर द कंपनी डिस्कवर्ड सच सर्विसेज वेयर बींग मिस यूज। अगर आपको पता होगा रिसेंट टाइम्स में चैट जीपीटी जो है वो बहुत फेमस हो गया है और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो चैट जीपीटी का यूज़ हर जगह पे हो रहा है, जैसे कि स्कूल्स में, कहीं ऑफिसेस में भी बहुत जगह पे यूज़ हो रहा है और इसका यूज़ शायद इंजीनियर्स भी कर रहे होंगे टू जनरेट कोड्स। और इसी का यूज़ शायद से सैमसंग के जो एम्प्लॉयज़ है उन्होंने भी किया और उसकी वजह से सैमसंग का कुछ डाटा जो है शायद से लीक हो गया था और जिसकी वजह से सैमसंग ने अपने AI चैटबॉट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है। और सो यहाँ पे हम देख सकते हैं CNBC की जो है ये रिपोर्ट है, सैमसंग बैन यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक चैट जीपीटी फॉर एम्प्लॉयज आफ्टर बीइंग मिसयूज ऑफ चैटबॉट। और इसके बाद भी हम देख सकते हैं जैसे कि सैमसंग एक अकेली कंपनी नहीं थी जिसने अभी तक जनरेटिव AIs के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया हो, और भी कुछ कंपनियाँ थी जैसे कि जेपी मॉर्गन ने भी चैट जीपीटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे अपने एम्प्लॉयज़ को यूज़ करने के लिए, और अमेज़ॉन ने भी अपने एम्प्लॉयज़ को वार्न किया था कि अब AI का यूज़ कम से कम करो या फिर करो ही मत।